जैसे ही ट्रैक्टर लिया जी, ये मान लो कि शादी होगी जी, और कमेंट भी करते हैं, खैर भद्दे भद्दे कमेंट भी करें लोग, मेरे मन में भी जैसे मैं पहले डराया था, आज इसे लेके भी हल्का सा मेरे मन में एक डर है, इसके पीछे तो जिस तरह राज पिक्चर में राज था, ये एक राज सा बनकर रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज पहुंचे हैं विक्रम भाई के पास गांव सिमलाना में, और इनके पास में दोस्तों अभी तक एक ट्रैक्टर था और उसके बाद इन्होंने दूसरा लिया। और दोस्तों अभी ये मानो कुछ दिन पहले 1 अगस्त को मुजफ्फरनगर से इन्होंने एक ट्रैक्टर और निकलवाया है, बिल्कुल नया। और आज दोस्तों जो है इनके पास पहुँचे हैं इनके गाँव में, और आज इनसे आपको मिलवाता हूँ। वो जो फुटेज है दोस्तों 1 अगस्त की, वो आपको साइड में चलती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों नया ट्रैक्टर लेने के बाद मतलब किसान के मन में क्या भाव आते हैं, ये जो है आप आज की वीडियो में देखना। और दोस्तों इनके पास में जो है ना विक्रम भाई के बहुत ही कम ज़मीन है, मतलब इन्हीं से पूछेंगे दोस्तों, और आप देखना इतनी ज़मीन में भाई कुछ नहीं कर सकता बंदा। और जो भाई दोस्तों जिनके पास में मतलब मोटिवेशन की कमी है, तो उन भाइयों को इनकी बात सुन के जो है ना मोटिवेशन भी मिलेगा, जो किसान भाई थोड़ा डीमोटिवेट रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, चलिए आपको मिलवाता हूँ विक्रम भाई से। विक्रम जी अपना नाम और गांव का नाम वैसे आपको जाने हैं लोग, लेकिन फिर भी एक बार बता दो भाई। गांव सिमलाना जी, जिला सहारनपुर जी, और आप सभी किसान भाइयों का मेरे इसमें हार्दिक स्वागत। तो ये देखो दोस्तों इन्होंने लिया है कुबोटा MU 4501, 4500 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है दोस्तों ये, और इसकी रिव्यू की वीडियो जो है बाद में आएगी भाई। तो इसके बारे में बताइए जी, इसका मूड कैसा बना, मतलब जैसे दो ट्रैक्टर ऑलरेडी हैं आपके पास में? ट्रैक्टर तो दो हैं जी, जी चलाने वाले भी हम, सही मायने में तो मैं ही हूँ। हाँ जी, लेकिन कई बार हम जब सीजन चले तो ड्राइवर भी रख लें जी, और पढ़ाई के साथ साथ लड़का भी मेरा इसमें साथ देते हैं। कुबोटा जो लिया गया जी, जी इसके पीछे तो जिस तरह राज पिक्चर में राज था, ये एक राज सा बनकर रह जाएगा। अच्छा, दिल में मेरे रह जाएगा, मतलब अभी मेरे मन में भी इसके प्रति राज ही है जी। अच्छा, ये नई तकनीक है जी, और मैं भी नया लिया जी। अच्छा, मेरे मन में भी जैसे मैं पहले डराया था, आज इसे लेके भी हल्का सा मेरे मन में एक डर है, हल्का सा डर है। दिन चलाऊंगा हाँ, और चलाने के बाद मुझे भी महसूस होगा कि मैं गलत निर्णय कर लिया सही कर लिया जी। भाई बहुत बढ़िया लगी मुझे आपकी बात, मतलब देखो नया ट्रैक्टर लेके आए और खुद कह रहे कि हल्का सा मन में, यह बात भाई बोलता नहीं कोई, सब तारीफ ही लग जाने एक तरफ से, नहीं नू है ये है वो है। नहीं ये तारीफ तो तब करूँ जब मुझे पूरी जानकारी हो। कहने का मतलब आपका ये है कि जब आप चला लोगे खुद देखोगे चला कर, जब संतुष्ट हो गए। हाँ भाई संतुष्ट होगा मन। अच्छा तो मतलब इसका विचार कैसा बना, जैसे काम ज्यादा था कैसा रहा? जैसे देखो जी है तो काम सारा किराए का जी मेरा। हाँ जी, खुद का तो काम मेरा इतना है नहीं। हाँ जी, तो किराए का काम तो इतना हो जी, जितनी आप मेहनत करोगे वो ऐसा ही आपको फल मिलता रहे जी, किराए का तो ऐसा मैटर हो जी। घर की कितनी है जी वैसे? घर की 14 बीघे जमीन है जी। देखो भाई घर की 14 बीघे जमीन है विक्रम जी के पास में, और 3 ट्रैक्टर हैं। मेहनत तो मतलब भाई बेहिसाब मेहनत कर रखी रात दिन। तो ये इसके बारे में बताओ जी और। अच्छा इसे लेना तो था मतलब 52। अच्छा जी, विचार 52 का था, लेकिन 52 और ये इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है जी। इसका जो कुछ उसके अंदर है अच्छा, टेक्नोलॉजी हाँ, उससे बढ़ गई एक दो टेक्नोलॉजी इसके अंदर होंगी जी। हाँ, और आज ऐसा टाइम आ गया जी, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक हाँ, और आरामदायक हाँ, जैसे इसके कई सारे डेमो दिखा रहे हैं लोग यूट्यूब पर हाँ, देख के हाँ, बड़े लोगों के भाई पानी का गिलास रखा है हलता नहीं हाँ, तो पानी का गिलास तो हमें चलाना नहीं हाँ, हमने ट्रैक्टर चलाना। बिल्कुल सही है बात, ट्रैक्टर हमारा जैसे मैंने चलाया थोड़ा सा जी, तो मुझे भी बड़ा ऐसा लगा कि अगर आम ट्रैक्टर पर आप 6 घंटे में थकोगे तो इस पर 12 घंटे तक की पूर्ति ड्राइवर करेगा। ये चीज आपको महसूस हुई मतलब इस पर? ये क्वालिटी है जी, ये महसूस अभी मुझे चला के ही हुई जी। एक तो इसका विक्रम जी कारण जो आवाज इसकी है जी जी, जैसे और ट्रैक्टर अपने कान फोड़े जी जी, जैसे आपने बताई ना तो आवाज सभी कहीं ना कहीं आदमी दिक्कत था। ट्रैक्टर तो है ही जी, जो भी किसान भाई मुझे सुन रहे होंगे सब जाने जी, यूट्यूब सब देखते हैं जी, और कमेंट भी करते हैं, खैर भद्दे भद्दे कमेंट भी करें लोग जी, कि भाई ये खराब है ये वैसा है, ये दिल तोड़ने वाली बात तो खैर किसी को नहीं करनी चाहिए जी। बिल्कुल सही है आपकी वो बात, जो कमेंट कर रहा है उसे उस चीज का पहला अनुभव अगर है हाँ, और उसके जीवन में धोखा हो रहा हाँ, उसने खरीद रखा उसे लाखों का चुना लग चुका हाँ, वो अगर अपनी बात रखे तो ज्यादा बेस्ट है जी। नहीं तो ऐसा हवा हवाई में कहेगा ना, लाखों रुपए का ये मान के चलो उस आदमी का नुकसान हो जाए दिल में कि जेल खरीद कर ले आया। अच्छा, उसे तो ऐसा लगा तो धोखा हो गया तेरे साथ, तो लोग तो इसके बारे में ऐसा कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके इसके बारे में ऐसा कहा था हाँ, बिल्कुल इसके बारे में भी बाद आज रिजल्ट है जी हाँ।
हाँ जोंडियार के बारे में पहले ही काफी सारे वो तेल का पंप ऐसा ऐसा कुछ है नहीं जी। हाँ हाँ ठीक है, जैसा वो काम करेगा ऐसा तो भी अगर देखो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसके बारे में तो खैर अभी कमेंट आए ने आपकी वीडियो के बाद ही मुझे पता लगा, मुझे जानकारी आप लोगों से ही होगी। जी जी जी, आप लोग मुझे सुझाव दोगे कि भाई विक्रम आप तो ऐसा कर ऐसा कर, मैं ऐसा ही करूँ। अच्छा, इसका मूड कैसा बना? आप उस दिन कुछ मतलब वैसे काम जा रहे थे, अचानक ही बनाया इरादे से गए थे? मुजफ्फरनगर चले जाए जी, और मुजफ्फरनगर जो डीलर साहब है जी, हाँ हाँ अपने जी, ट्रैक्टर तो देखो बहुत छोटी चीज है जी, और दिल जीतना बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है जी। अगर वे मेरा दिल जीतने में कामयाब हुए जी, तो उनका ट्रैक्टर लेने में मैं कामयाब हुआ जी। हमारे बीच वो मित्रता और वो दोस्ती आज उस चरम पर है जी, जी कि उन्होंने मुझे एक पैसा ना लेकर ट्रैक्टर दे रखा जी। अभी तक मतलब अभी तक कुछ नहीं, एक पैसा नहीं गा नहीं, और उनका रिस्क है जी, मैं किसान हूँ, मेरा कोई रिस्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, खासतौर कुछ हो जा बिल्कुल तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने भरोसा और विश्वास कराया केवल मुझे पहली बार मिलकर ही। अच्छा, पहली बार की मुलाकात उनसे मिला, उन्हें मैं उन्हें अच्छी तरह नहीं जानता, वे मुझे नहीं जानते, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, बस इतना ही है जी। जी, और उन्होंने विश्वास जमाया, विश्वास मेरे पर जमाया जी कि भाई तू इस लायक है कि तुझे ट्रैक्टर में दे सकता हूँ जी, और मैं ट्रैक्टर को लेकर के आप थे वो बिल्कुल फोन करा था। दरअसल भाई विक्रम जी ने उस दिन 1 तारीख थी ना जी, जी तो मैं भी थोड़ा जल्दी में था, लेकिन मैं पहुंच गया था और वहाँ पे जो है आपने देख ही ली फुटेज, आपको अभी भी चल रही होगी बैकग्राउंड में ये सारी फुटेज दोस्तों, 1 तारीख की है। तो फिर ये जो है विक्रम जी चले गए थे हरिद्वार की साइड और अभी आए। अच्छा, एक बात और बताओ आप, मतलब आपने विक्रम जी शुरुआत कहाँ से की थी और आप किसानों को कुछ सजेशन देना चाह रहे थे उसके बारे में बताओ। कुछ साल पहले जी किसी का यहाँ 50 रुपये रोज पे ट्रैक्टर चलाता था, सन 2000 में किसी और का जी। जी अच्छा जी, और धीरे धीरे मैं यहाँ तक आया जी। बाकी मैं किसान भाइयों से भी कुछ कहना चाहूंगा। बताओ जी, बिल्कुल बताओ जी। आज ऐसा टाइम आ गया जी, जी कि मैं भी बहुत सारी वीडियो देखूं जी, जी पता लगे कि किसान भाई खड़े हैं ट्रैक्टर के सामने जी, और भाई हम तो लूट लिए, हम तो लूट लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लुटेरों से बचो किसान भाइयों जी। यूट्यूबर के माध्यम से या किसी किसान भाई के माध्यम से जी, या किसी मजबूत व्यक्ति के माध्यम से जी, ट्रैक्टर वाले के पास जाओ जी, अपनी बात सही सटीक करो ताकि बाद में पछतावा ना हो, क्योंकि किसान तो लूट जा रहा है। जब एक बार किसान के साथ में ज्यादातर जी, लाखों किसानों की इस तरह की समस्या में भी देखता रहूं, और बाद में कुछ नहीं होना जी, बाद में तो या तो उनके ट्रैक्टर ही खींचे जी, जी उन्हें पैसे पूरे देने तो पड़ेंगे। खैर देखो जी, बाकी जी, कुछ नहीं किसी का बिगाड़ सकते जी, और लुटेरे बेचने वाले बहुत बट्टे। बिल्कुल अच्छे बिल्कुल, आदमी से संपर्क करो जी, जहाँ आपकी कोई मदद बाद में भी कर सके जी। देखो जैसे ही ट्रैक्टर लिया जी, ये मान लो कि शादी होगी जी, बिल्कुल चलने भात दाल शुरू है जी, जी अगर अगला मजबूत होगा बेचने वाला जी, वो आपकी मदद करेगा लास्ट तक जी, लेकिन जो मजबूत नहीं होगा ना जी, वो नहीं कुछ भी मदद करने का जी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है जी, आपने सही कहा। तो एक बात बताओ जी, रोटावेटर जो है 8 फीट का, ये भाई नेक्स्ट वीडियो में आपको, अभी खेत तो गिल्ले हैं जी, आज खेत गिल्ले हैं, और इस पर रोटावेटर चला के दिखाओगे एक बार। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम सोबित भाई अगर कुवोटा संग है। अजी वाह, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे विक्रम जी, बहुत बढ़िया। ये जो है शिवानी नाम है विक्रम जी की लड़की है, तो शिवानी आप कुछ कहना चाहोगे देश के बारे में कुछ जी कहना चाहोगे? देश के बारे में भी कहना चाहूंगी कि लड़े जंग वीरों की तरह तब खून खोल फौलाद हुआ, कि लड़े जंग वीरों की तरह तब खून खोल फौलाद हुआ, और मरते दम तक डटे रहे तब जाकर देश आजाद हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। तो दोस्तों आपको इसके पीछे जो है ना रोटावेटर की वीडियो भी जल्द दिखाएंगे, और रिवर्सेबल MB प्लो की भी, और 8-8 की जो है दोस्तों डिसहैरो की भी वीडियो जल्द आएगी दोस्तों। इसलिए जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।